चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वास्थ्य मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच होने जा रही है उसके बारे में। ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसे होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसे होने वाला है, एवरेज स्कोर क्या जाने वाला है, इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टीम मिल जाती है, जिस टीम में मिलते हैं आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन, वाइस कैप्टन और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि हमारी वीडियो अगर नहीं भी आ पाती है, फिर भी आपको टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे परफेक्ट मिलता है, कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाके देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है? अभी भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो, चलिए देखते हैं ये मैच कहाँ पे होने जा रही है, कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं T20 वर्ल्ड कप का 45th मैच होने जा रही है, जो कि 8 o'clock में होगी, ठीक है? जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का यूज़र आईडी @IndianYouTuber DeepakJM। तो इसको जो है आपको सर्च करके बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिंक से आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप सर्च करके जाते हैं तो कहीं और पहुँच जाते हैं, हमारे जो ऑथेंटिक जेन्युइन चैनल है वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण से आपको प्राइम मेंबरशिप के नाम से आपसे पैसे वगैरह की डिमांड की जाती है और आप दे देते हैं। तो बिल्कुल वैसे जगह पर आपको नहीं जाना है, ठीक है? तो ये हमारा जो है ऑथेंटिक और जेन्युइन चैनल है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जो है हमारे सोशल मीडिया के लिंक लगे हुए हैं। और यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम दी जाती है, फ्री टीम, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और फैंटेसी रिलेटेड अपडेट जितने भी है सारी चीज़ आपको फ्री में मिलती है। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू शेयर्स। तो आज का जो मैच होने जा रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डैरेन शर्मी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने जा रही है। पिच रिपोर्ट जो है, पिच जो है वहाँ का फ्लैट पिच है, ठीक है? और यहाँ पे जो है एवरेज बैटिंग होता है और बॉलिंग भी एवरेज होता है। आपको पता है कि यहाँ पे स्पिनर्स बॉलर का काफ़ी बोल बाला है, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पिनर्स यहाँ पे अच्छे खासे कर जाते हैं पेसर्स के मुकाबले में। पेसर्स भी यहाँ पे एवरेज में खेलते हैं और यहाँ पे जो बैटिंग कंडीशन है, बैटिंग जो भी करने आते हैं वो भी अच्छे खासे बैटिंग कर लेते हैं। कुछ कुछ बैटर्स जो है यहाँ पे अपना विकेट गंवा के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे विकेट किसको देके जाते हैं, तो वो स्पिनर्स बॉलर को अपना विकेट जो है देके जाते हैं। तो ऐसे बॉलर्स को आपको सिलेक्ट करना है जो कि काफ़ी अच्छे खासे स्पिन करते हैं, या फिर पेसर्स बॉलर हैं तो वो काफ़ी अच्छे खासे अपने बॉल को स्विंग कराते हैं। ऐसे बॉलर्स को आपको सिलेक्ट करना है जो आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे विकेट निकाल के दे सकता है और पॉइंट भी दे सकता है और आपको GL विन करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है? बैटर्स को ऐसे सिलेक्ट करना है जो कि डिफेंस करके खेलते हैं, वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा करके दे सकता है। अब यहाँ पे टोटल मैचेस की बात करें तो 37 हुए, बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 15 मैच विन करें, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 22 मैचेस विन करें। फिर भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है कि जो भी टॉस विन करेगा, टॉस विन करने के बाद जो है बैटिंग फर्स्ट करने का निर्णय करेगा, क्योंकि यहाँ का स्ट्राइक रेट जो है बैटिंग फर्स्ट करने वालों का ज़्यादा है, ठीक है? अब यहाँ पे टोटल टाइम मैचेस की बात करें तो 0 हुए। और यहाँ पे बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो एवरेज जो स्कोर यहाँ पे बन सकते हैं वो 162 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 226 है 6 विकेट के नुकसान पे, लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 69 है 10 विकेट के नुकसान पे, ठीक है? तो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो 150 के नीचे जो है 9 टाइम रन बने, 150 और 69 के बीच जो है 16 टाइम रन बने। तो एक एवरेज लेके हम चलेंगे कि यहाँ पे जो रन बनेंगे 160 के आसपास आराम से रन बन जाएंगे। 170-89 के बीच जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 टाइम रन बने, 190 के अबव जो है यहाँ पे 7 टाइम रन बने। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है कि 169 के आसपास, 70 के आसपास आराम से रन बन जाएंगे, ठीक है? जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के प्रीवियस इनिंग स्कोर, जो कि कुछ इस तरह से है। एवरेज स्कोर जो है 156 है, एवरेज विकेट जो है 6 है, एवरेज स्ट्राइक रेट जो है 135 है फर्स्ट इनिंग का, ठीक है? सेकंड इनिंग की बात करें, एवरेज स्कोर जो है यहाँ पे 140 है, एवरेज विकेट यहाँ पे 7 है, एवरेज स्ट्राइक रेट जो है 125 है। तो कुछ इस तरह से स्ट्राइक रेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग का ज्यादा है, सेकंड इनिंग में कम है। और इस कारण से यहाँ पे जो भी टॉस विन करेंगे, टॉस विन करने के बाद जो है यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने का निर्णय करेंगे और यही जो है मैच विन करके जाएंगे। अगर कोई तगड़ी टीम है तो यहाँ पे जो है चेस करके भी मैच को विन करके जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टॉस विन करेंगे, टॉस विन करने के बाद बैटिंग जो फर्स्ट करेंगे उसके विनिंग के चांसेस ज्यादा बनते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की, तो वेदर जो है 25 डिग्री सेल्सियस क्लाउडी वेदर रहने वाला है और यहाँ पे क्लाउड जो है 49% रहेंगे, रेन परसेंटेज यहाँ पे 0 है, बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, विंड स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा यहाँ पे चलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं इंग्लैंड के प्रोबेबल प्लेयर की, जो कि हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे फिलिप शॉट, जॉस बटलर, मोइन अली, जॉनी बेरिस्टो को आप अपनी टीम में सिलेक्ट करेंगे। ये 4 प्लेयर आपको काफ़ी अच्छे खेल के देने वाले हैं और इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे
बटलर, फ्लिप सॉल्ट और यहाँ पे मोइन अली को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ये तीन प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन में, ठीक है। और आ जाते हैं बॉलर में, तो जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और यहाँ पे रिच टॉपले, ये तीन प्लेयर को आपको सेलेक्ट करके चलना है या फिर दूसरे तीसरे टीमों में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैरिस्टो को ड्रॉप करके सैम करन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा साउथ अफ्रीका के प्रोबेबल प्लेयर, और इनमें से जो हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वांटम डिकॉक, एडन मरक्रम, डेविड मिलर और यहाँ पे एंड्रिज क्लासेन, ये चार प्लेयर आपको काफ़ी अच्छे करके देने वाले हैं। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो इनको जो है सभी टीमों में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं और इनको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो किनको कैप्टन वाइस कैप्टन करें, तो यहाँ पे क्वांटम डिकॉक को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं और एडन मरक्रम को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ना करें, इसको आप चाहें तो दूसरी तीसरी टीमों को काफ़ी रिस्क ले रहे तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लासेन को कैप्टन वाइस कैप्टन करें आपके लिए बेस्ट रहेगा। उससे भी बेस्ट रहेगा यहाँ पे एंड्रिस रोकिया को कैप्टन वाइस कैप्टन करें और अपनी टीम में सेलेक्ट करें, रबाडा और यहाँ पे केशव महाराज को, ये तीन प्लेयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आप चाहें तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए मरक्रम को ड्रॉप कर दिया, तो मरक्रम को ड्रॉप करके मार्को जॉनसन के साथ जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, तब्रेज़ शम्सी के साथ जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ तो यहाँ पे देखने को मिलता होगा आपको ओवरऑल टीम कंपैरिजन, दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करें पिछले 10-10 मैचेस की, तो 10 मैच में यहाँ पे 6 मैच जो है इंग्लैंड ने विन करे, 5 मैच साउथ अफ्रीका ने, और यहाँ पे 164 का एवरेज स्कोर है, 127 का स्कोर जो है साउथ अफ्रीका का है। अब यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर जो है 267 है 3 विकेट के नुकसान पे, 194 है 4 विकेट के नुकसान पे साउथ अफ्रीका के, और यहाँ पे 50 है 2 विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड के, और यहाँ पे 71 है 10 विकेट के नुकसान पे साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पे जो अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो प्रिडिक्शन में मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये मैच जो है इंग्लैंड आराम से विन करके जा सकती है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हेड टू हेड मैचेस, तो हेड टू हेड इन दोनों के बीच जो है 24 हुए, जिसमें से 12 मैचेस जो है दोनों ने विन करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिसेंट मैच की, तो रिसेंट मैच में 2 मैच विन करें, 1 लूज करें, फिर 2 विन करे हुए हैं इंग्लैंड ने। साउथ अफ्रीका की रिसेंट मैच की बात करें तो 5 में से 5 मैच जो है विन करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टॉप बैटर और टॉप बॉलर, टॉप बैटर आपको और टॉप बॉलर भी साउथ अफ्रीका के ही ज़्यादा नजर आएंगे। इसलिए आपसे कहना है बस इतना है कि आप एक टीम में 5 से 7 प्लेयर जो है साउथ अफ्रीका से सेलेक्ट करें और एक टीम में 5 से 7 प्लेयर जो है इंग्लैंड से सेलेक्ट करें। अगर आप 2 से 3 टीम बनाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलें तो आप जीएल विन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटम डिकॉक साउथ अफ्रीका से विकेट कीपर है, 5 मैच खेले 122 का स्कोर करा है, ठीक है। क्लासेन साउथ अफ्रीका से विकेट कीपर, 5 मैच खेले 108 का स्कोर करा है। डेविड मिलर है साउथ अफ्रीका बैटर है, 5 मैच खेले 101 रन का स्कोर करा है, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे टॉप बैटर में ये तीनों प्लेयर हैं जिसको आप अपने टीम में सेलेक्ट करके चल सकते हैं। टॉप बॉलर की बात करें तो एंड्रिज नोकिया है साउथ अफ्रीका से बॉलर है, 5 मैच खेले हैं 10 विकेट निकाले, तो इसको आप कैप्टन बना सकते हैं, इसको वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं या फिर पलट भी सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रबाडा है जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका से बॉलर है, 5 मैच खेले 7 विकेट निकाले, और यहाँ पे केशव महाराज है साउथ अफ्रीका से बॉलर है, 4 मैच खेले 6 विकेट निकाले, ठीक है। तो इनको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर, तो आज के जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर है जॉस बटलर है, मोइन अली है, एंड्रिज नोकिया है, जोफ्रा आर्चर है, कागिसोर अबाड़ा है, जिसको सभी टीमों में आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको गेम चेंज करके दे सकता है और ये आपको जीएल भी विन करा के दे सकता है, ठीक है। तो इनको सभी टीमों में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रिस्क की कैप्टन वाइस कैप्टन की, जो कि आपको रिस्क के साथ जो है इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, जैसे सैम करन, पिशॉट, डेविड मिलर और मोइन अली, ये प्लेयर जो है काफ़ी अच्छे खेल के दे सकते हैं, इनको रिस्क के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप। अगर इनको रिस्क के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो आपके जीएल विनिंग के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। और अगर आप एसएल खेलना पसंद करते हैं तो एसएल में जो है आप यहाँ पे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं, एडन मरक्रम, जॉस बटलर, क्वांटम डिकॉक, एंड्रिज नोकिया को सेलेक्ट करके चल सकते हैं। और अगर इनको जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं तो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जा रहे हैं, तो आपके जितने भी इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने वो आपके वापस होके आ जाएंगे या फिर कुछ ज़्यादा आ जाएंगे, आप जीएल विन नहीं कर पाएंगे। जीएल विन करने के लिए आपको रिस्क लेना होगा और रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा लेना होगा। आप चाहें तो इस तरह से भी रिस्क ले सकते हैं या फिर जो है आप इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क और एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन बना के, जैसे मोइन अली और एक क्यू डिकॉक हो गया, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के आप एक रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन, एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन यूनिक बन जाएगा और आपकी जीएल विनिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फिक्स कॉमन प्लेयर, ये जो प्लेयर है इसको सभी टीमों में फिक्स कर लेना है।
अगर आप इनको फिक्स कर लेते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको विन कराने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो है हमेशा एवरेज में खेलते हैं, ठीक है, एवरेज में खेलते हैं और ड्रीम टीम में रहते हैं, जैसे पी शॉर्ट, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, तब्रेज़ शम्सी, एंड्री स्नोकी और यहाँ पे रिजा हेनरी, ये प्लेयर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, जो कि आपको डी टी प्लेयर में रह के और काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट देते हैं, और डी टी प्लेयर वाले प्लेयर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। और कैसे समझेंगे कि ये जो है प्लेयर डी टी में रहेंगे ही रहेंगे, तो ऐसे पांच प्लेयर को आप हमेशा सेलेक्ट करके चलना है जो कि हमेशा एवरेज में खेलते हैं और डी टी में रहते हैं, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जी एल विन करने में। अब यहाँ पे बात करते हैं जी एल कॉमन प्लेयर की, तो क्लासेन है, डिकॉक है, जॉनी बैरिस्टो है, कागिसो रबाड़ा है, डेविड मिलर है और यहाँ पे एडन वर्क्राम है, ये आपके जी एल के कॉमन प्लेयर हो जाते हैं। इसको सभी टीमों में आपको रोटेट कर लेना है, अगर इनको आप सब टीम में रोटेट कर लेते हैं तो आपके जी एल विनिंग के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्मॉल लीग के मोस्ट पिक, जिसको आपको एसएल में सिलेक्ट करना है, ये आपको एसएल आराम से विन करा के दे सकता है। तो इंग्लैंड से जो है फ्लिप शॉट और जोफ्रा आर्चर को सिलेक्ट कर लेना है, साउथ अफ्रीका से एंड्री स्नोकिया और कागिसो रबाड़ा को सिलेक्ट कर लेना है, ये आपको एसएल आराम से विन करा के दे सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रैंड लीग की, ग्रैंड लीग में ऐसे कौन से प्लेयर के साथ रिस्क ले जो हमें यहाँ पे ग्रैंड लीग विन करा के दे सकता है, तो यहाँ पे इंग्लैंड से आपको देखने को मिल रहा होगा सैम करन, रिस्टॉपले, ठीक है, और साउथ अफ्रीका से रिजा हेनरिक और मार्को जॉनसन के साथ आप जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ये आपको हेल्प कर सकते हैं जीएल विन कराने में। अब बात करते हैं डेथ ओवर बॉलर की, डेथ ओवर बॉलर में ऐसे कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल के दे, और विकेट निकालेंगे तभी हम यहाँ पे जीएल विन कर पाएंगे। तो इंग्लैंड से हो जाते हैं जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जीएल विन करने में, विकेट निकाल के देने में, पॉइंट ज़्यादा अर्न करने में, ठीक है। और यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका से एंड्री स्नोकिया और कागिसो रबाड़ा हो जाते डेथ ओवर के बॉलर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे पॉइंट देने में। और आपको भी पता है कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट मिलते हैं, और बॉलिंग से कुछ ज़्यादा ही पॉइंट मिलते हैं, एक विकेट पे आपको 33 पॉइंट मिलते हैं, अगर कोई कैच लेता है तो 25 पॉइंट मिलते हैं, और 8 पॉइंट मिलते हैं उधर जो कैच लेता है उससे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। आगे बढ़ते तो जैसे आगे बढ़ते आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक टीम, और इस टीम में मिल जाएंगे आपको पांच से छह टीमों का कैप्टन, वाइस कैप्टन, साथ ही साथ फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए जाके ज्वाइन करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने किसे सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जॉस बटलर, क्वांटम डिकॉक, क्लासेन और पी शॉर्ट, ये चारों के चारों विकेट कीपर को हमने सिलेक्ट कर डाला है, ठीक है। आप चाहें तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बटलर को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्लासेन को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये चारों प्लेयर जो है काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो हम इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क के साथ आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैटर्स में हमने बैरिस्टो और त्रिस्टन स्टब्स को सिलेक्ट करा है, आप चाहे तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके डेविड मिलर के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे ऑलराउंडर में हमने मोइन अली और एडन वर्क्राम को हमने सिलेक्ट करा है, आप चाहे तो यहाँ पे विकेट कीपर को ड्रॉप करके ऑलराउंडर की संख्या फिर बॉलर की संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉलर में हमने सेलेक्ट करा है कागिसो रबाड़ा, जोफ्रा आर्चर और एंड्री स्नोकिया, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है जिसको हमने अपनी टीम में सिलेक्ट करा है। अब इस टीम में जो है पांच से छह टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिलता है, तो चलिए सबसे पहले हमने फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन जो है यहीं पर बनाया हुआ है, डिकॉक और पी शॉर्ट, ये हमारे फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, ठीक है। सेकेंड टीम का बटलर और यहाँ पे बैरिस्टो को बनाएंगे, ये हमारे सेकंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। क्लासेन और पी शॉर्ट को बना लेंगे, ये हमारे थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। और क्लासेन और आप चाहें तो यहाँ पे डिकॉक को भी बना सकते हैं, ये आपके फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। तो चार टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहीं पर मिल गया होगा, आप चाहें तो मोइन अली और मैरक्राम को बना सकते हैं, ये आपके जो है फिफ्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाएंगे। सबसे बेस्ट आपके लिए रहेंगे कागिसो रबाड़ा और एंड्री स्नोकिया, या फिर जोफ्रा आर्चर और एंड्री स्नोकिया, जो कि आपको काफ़ी अच्छा खेल के देंगे और यहां से विकेट निकाल के देंगे, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो पांच से छह टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिल गया होगा, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।